हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक LG का आउटडोर म्यूजिक सिस्टम है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये अच्छा खासा चल रहा है और इसमें जो बैटरी होती है बैटरी से बैकअप ये नहीं दे रहा है, यानी बैटरी से नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर हम देखेंगे इसमें कि किस तरीके से ये ओपन होता है, क्योंकि ये मैंने भी फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ इसको। तो अगर आप इस तरीके का रिपेयर करेंगे तो आपको अगर पता होगा कि कहाँ पे इसके क्या चीज़ है तो रिपेयर करना काफ़ी इजी होगा। तो कुछ स्टेप मैं इसमें यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी जस्ट अभी अभी पता चला है, तो सोचा कि इसके बारे में भी वीडियो बना दूँ। चैनल में फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर लेना। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है इसके आगे का, अभी मैंने खोल रखा है, एक फ्रेम भी लगा होता है उसको भी मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा मॉडल नंबर से। यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैक वाला एरिया मैंने खोल रखा है, तो मॉडल नंबर देख सकते हैं RK3। इसका यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर है RK3, हाई पावर स्पीकर सिस्टम है, RK3 इसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लगा होता है, यहाँ पे इसका पावर इन वाला होता है, तो इसको मैंने निकाल रखा है। अगर इस वाले म्यूजिक सिस्टम में आपको डेट की प्रॉब्लम आती है तो बैक साइड में देख सकते हैं इसकी ये पावर सप्लाई होती है, यहाँ पे ये पावर सप्लाई इसकी लगी हुई है। AC इन यहाँ से होता है और इस वाले वायर से आया है इधर पर, और जिस तरीके से हमारे हर एक चीज़ में पावर सप्लाई होती है उसी तरीके की यहाँ पर ये पावर सप्लाई है। और यहाँ पे जो जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है आउटपुट में वो वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ही हमारे सब जगह वोल्टेज जा रहे हैं। एक तो आपको पावर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, दूसरा जैसा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो है हमारा बैकअप पावर। तो बैटरी के बैकअप का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं आगे से भी खोला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, एक जो हमारा स्पीकर लगा हुआ है वो है, बाकी इसको खोलेंगे तो पूरा फ्रेम निकल जाएगा तो इसको नहीं खोलना है। उसके बाद हमको दिखा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा बैटरी का कंपार्टमेंट, तो इसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं। चार स्क्रू हैं यहाँ पे, अगर आपके पास बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है तो उस केस में जो बैटरी का काम करेंगे हम वो यहाँ पे करेंगे नीचे साइड में। और अगर पावर की डेड है, क्योंकि ये AC लाइन पर हमारा चल रहा है, मैंने अभी चलाया इसको, AC लाइन पर परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ये चार स्क्रू हैं, इनको खोलना है आपने। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा बैटरी का कंपार्टमेंट, तो फिर से यहाँ पर और लगे हुए हैं चार स्क्रू। काफ़ी टाइट यहाँ पे खुल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट तो टाइम ये रिपेयर हो रहा है और फर्स्ट टाइम पे ही ओपन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रही हमारी यहाँ पे बैटरी। अगर बैटरी के डिटेल देखें तो यहाँ पे 12 वोल्ट 7 AH की है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारी नॉर्मली जो UPS में बैटरी डली होती है वही वाली बैटरी यहाँ पे डली हुई है। तो यहाँ पे हम बैटरी के वोल्टेजों को चेक कर लेते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये रहा मल्टीमीटर, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने DC पर सेट कर दिया है और इसके वोल्टेज देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे आधा वोल्ट दिखा रहा है, आधा वोल्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये बैटरी हमारी ख़राब हो चुकी है। अब मैं इसको पावर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो चार्जिंग वोल्टेज है वो शो कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं हल्का सा खड़ा कर लेता हूँ,
पावर दे दी है मैंने। पावर देने के बाद यहाँ पे हमारे वोल्टेज प्रेजेंट होने चाहिए, तो मैं ये देखता हूँ। देख सकते हैं 14 वोल्ट मेरे प्रेजेंट हैं, यानी ये बैटरी वोल्टेज तो मिल रहा है, चार्ज होने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इन जो बैटरी होती है इसकी जो लाइफ होती है वो होती है हमारी 2 साल के आसपास होती है, 2 साल के आसपास ये ठीक ठाक चलती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्योंकि इसे चार्जिंग तो मिल ही रही है, चार्जिंग मिल रही है तो इसने चार्ज भी करना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम पावर बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग वोल्टेज हमारे अभी सो इसलिए कर रहा है कि अंदर जो कैपेसिटर होगा वो हमारा चार्ज होगा, जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा तो ये हमारे वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। देख सकते हैं क्योंकि जो इसकी पावर सप्लाई होती है उसमें हमारे जो कैपेसिटर होते हैं जो नो लोड करंट होगा तो वहाँ पर वो चार्ज होंगे, लेकिन फिर से यहाँ पर ये डिस्चार्ज होने लग गई। तो मैं करूँगा क्या, इसको एक बार चार्ज करता हूँ, चार्ज करने के बाद इसका लोड पर चलाता हूँ और लोड पर चलाने के बाद देखता हूँ कि बैकअप दे रहा है या नहीं दे रहा है या टिक पा रहा है या नहीं। अगर चार्ज करके काम बन गया तो हम इसी को लगाएंगे और अगर नहीं बना तो उसके बाद हम कर देंगे इसको रिप्लेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इसकी जो बैटरी होती है वो यहाँ लगी होती है, पावर सप्लाई होती है पीछे लगी होती है, और जो हमारा कंट्रोलर होता है वो हमारा ऊपर लगा हुआ है कार्ड वार्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।